Hi everyone, this is Ayushi Jain and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are subscribed to my channel. और अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो यार hit that subscribe button right now. With another fun and interesting 24-hour food challenge. So basically, na, इस चैलेंज में मुझे एक geometric shape food item खाना है for 24 hours. Easy, right? But the shape जो मैंने choose किया है, that is hemisphere और इसका picture मैंने यहाँ insert कर दिया है. This shape seems a little different and it is a bit difficult as well. So let's see what I'm gonna eat and let's get this day started. Good morning everyone and it's breakfast time और नाश्ते के लिए ना मैंने बहुत ही कॉमनली खाई जाने वाली डिश ली है फॉर ब्रेकफास्ट एंड पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट रियली लाइक इट एंड मैं खाती भी हूँ उस डिश को बट इट्स अ चैलेंज सो इट शुड फील लाइक अ चैलेंज एंड बाय द वे डिश का नाम है उपमा सो बेसिकली आप उपमा को जो भी मोल्ड में डालोगे इट विल टेक दैट शेप एंड फॉर द बेवरेज आई हैव टी बिकॉज लिक्विड को भी आप जो भी मोल्ड में डालते हो वो उस शेप का हो जाता है सो smart today and let's take a first bite of this upma. And the reason why I don't really like upma is because I feel ki it's kind of like tasteless. Iska koi taste hi nahi hota. It's very blank. That's why I don't really like it. Now let's taste that. Tastes good. So I'll just finish this and I'll see you at my lunch time. So lunch के लिए ना मैंने काफ़ी interesting dish सोची है और सिर्फ lunch time के लिए नहीं मैंने पूरे दिन के लिए ना काफ़ी interesting और हटके सी चीज़ करने की मैं try करूँगी Let's see how that goes. Coming back to the lunch, I'm going to make कटोरी चाट या not only that ये जो कटोरी होगी ना मैं वो भी घर पे बनाने वाली हूँ because I feel कि यार I can do anything, so why not this, right? And मैंने इसके अलावा एक और wise decision लिया and that was कि यार ये जो कटोरी होगी ना वो मैं आज नहीं बनाऊंगी मैं वो कल ही बना के रख दूंगी सो दैट आज का दिन ना थोड़ा सा आराम से निकले मैं पूरा दिन सिर्फ किचन में ही ना रहूं एंड नाउ कमिंग टू द एक्चुअल डेंजरस पार्ट जो कि है मुझे इस कटोरी को गर्म करना है फिर मुझे इस गर्म कटोरी को बैटर में डिप करना है और फिर इस कटोरी को मुझे तेल में डालना है बहुत ज्यादा गर्म हो गया जल गया तेल अब रुको अब एंड ड्रम रोल्स प्लीज दिस इज व्हाट दे लुक लाइक आई नो दैट दे आर नॉट परफेक्ट बट आई मीन दे आर नॉट दैट बैड राइट लाइक दे आर नॉट दैट बैड एंड वैसे भी ऑन दिस चैनल वी डोंट फोकस ऑन एंड आई जस्ट हैव टू वर्क विद दिस राइट नाउ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है मैंने ये इतनी मेहनत से बनाया है एंड आई डोंट वॉन्ट इट टू गो टू अ वेस्ट या सो वी हैव टू वर्क विद दिस एंड मे बी वन डे मैं एकदम परफेक्ट कटोरिया बनाऊंगी बट नॉट टूडे दैट डे इज नॉट टूडे इट्स टेस्ट टेस्ट टाइम लेट्स
हाथ से खाना पड़ेगा, ये कटोरी क्या है ना टूट नहीं रही है, सो चीयर्स। इट्स नाइस, कटोरी ना थोड़ी सी कड़क हो चुकी है, बट दैट्स फाइन, इट्स नॉट दैट बैड, लाइक आई हैव एक्चुअली खाया नहीं जा रहा, इट्स नाइस, लाइक पहली बार करो, इट्स नॉट बैड। स्नैक्स के लिए ना मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है लेमनेड पॉप्सिकल्स, सो बेसिकली यू ऑल नो कि भाई इस चैलेंज में बेवरेज पीना इज़ अ लिटिल बिट टफ और डिफिकल्ट, बिकॉज हेमिस्फीयर शेप का कौन सा बेवरेज होगा भाई, सो दैट्स वाई मैंने लेमनेड बनाया है और हेमिस्फीयर शेप के बोल में उसे फ्रीज कर दिया है, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, और मैंने ना इसको सिर्फ आधा ही भरा है सो दैट वो परफेक्ट हेमिस्फीयर वाला शेप आ जाए, एंड इसकी स्टिक जो है वो टेढ़ी है बट That's fine by me. दूसरी चीज है वो है मैंगो। तो बेसिकली मेरे पास ना एक स्पून है जिसका आई थिंक ये हेमिस्फीयर शेप का है, सो मैं इसमें से स्कूप आउट करूंगी मैंगो। टाइम फॉर द बिग रिवील, लाइक कैन यू सी मूविंग मूविंग, इट्स लाइक अ बबल हेड, एंड नाउ लेट्स टेस्ट इट। Tastes nice and it just tastes like a lemonade, guys. I have my mango here and let's scoop out. It ain't bad. But let's try to scoop out like a perfect hemisphere now. ये शिकंजी वाला पॉप्सिकल और ये आम doesn't really go well. After one another, because वो already काफी ऐसा खट्टा type से हो रहा था, and this is also like खट्टा मीठा. So for dinner, I'm going to have dum aloo, and now you're probably wondering कि dum aloo not valid, but dum aloo में लगते हैं छोटे-छोटे आलू और उसको मैं half में cut कर दूँगी तो वो बन जाएंगे just like the shape of a hemisphere. एंड फॉर रोटी, वेल मैं रोटी नहीं ले रही हूँ, आई एम यूजिंग अ ब्रेड, और उसको मैं कटोरी में रख के थोड़ा सा बेक कर दूंगी, और बेक होने के बाद होपफुली वो शेप ले लेगा हेमिस्फीयर की। आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस कि मैं ये वर्ड अब इस वीडियो में और नहीं बोलूंगी। आई मीन दिस डस लुक लाइक अ हेमिस्फीयर, डजंट इट, लाइक बी ऑनेस्ट, इट इज अ हेमिस्फीयर। अब मुझे इस ब्रेड को सिर्फ थोड़ा सा डैम्प करना है पानी में, और मैं इसको इस कटोरी पे लगा दूंगी, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, लाइक एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, बट वी नॉट गोना गिव अप, नॉट सो सून। So I have my dinner with me, and this is what dum aloo looks like, or bread which is tarah ki dikh rahi, which I think is kind of similar to a sphere shape, not that bad. So let's have dinner now cause I am really hungry. So the bread aur dum aloo ka combination was really nice. Upar se na ye bread baked hui hui thi, so there was like a little extra crunch which was really really nice, and ये खाना खा के ना अंदर से ऐसे बहुत खुश और ऐसे मन प्रसन्न हो गया है। And now for the toughest part, which is to get the perfect scoop. Kinda like got it. And just like that, I have my perfect scoop of ice cream. वो मतलब आज तक मैंने निकाला भी नहीं होगा ज़िंदगी में इतना perfect scoop, but today I did it. And इससे पहले और पिघल जाए, let me just have one bite. This feels like a perfect ending. मतलब इससे better ending I don't think this day की हो सकती थी. And with this, we come to an end to this day and this video. मुझे पर्सनली ये वीडियो करने में काफ़ी मज़े आए,
थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बट इट वॉज फन एज वेल. एक लाइन में बोलू ना तो इट वॉज अ टायरिंग प्रोडक्टिव डे विच इज अ गुड थिंग. और या आई जस्ट हैड अ लॉट ऑफ फन मेकिंग दिस वीडियो. और अगर आपको भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. एंड फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, ऐड मी ऑन स्नैपचैट एंड आल्सो माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.